आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 अब अपने पहले अहम पड़ाव यानी चंद्रमा की ओर बढ़ चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने यह जानकारी दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 23 दिनों की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर लैंड करेगा। यान को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने 1 अगस्त को ही पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पूरी कर ली थी। इसके बाद अब अंतरिक्ष यान चांद तक की 3.8 लाख किमी की यात्रा पर निकल चुका है। इसरो का कहना है कि लूनर ऑर्बिटर LOL की 5 अगस्त की योजना बनाई गई है। इसरो ने सोमवार आधी रात को उस समय एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब उसने चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। एक सफल फायरिंग की गई। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांस लूनर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसरो ने चंद्रमा की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि अगला पड़ाव चंद्रमा है। उन्होंने कहा कि यान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि लूनर इंजेक्शन सोमवार को रात 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच किया गया। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि चंद्रयान 3 अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से काम कर रहा है। इसकी स्थिति एकदम ठीक है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल Mach 3 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। संभावना जताई जा रही है कि करीब 40 दिनों के बाद चंद्रयान 3 चांद की साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। खास बात है कि इसके साथ ही देश के नाम 2 और उपलब्धि जुड़ जाएगी। दरअसल चांद की सतह पर उतरने वाला भारत 4वां देश होगा, साथ ही साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा।